सुल्तानपुर लूटकांड में मंगेश यादव का एनकाउंटर जैसे ही होता है वैसे ये मामला तूल पकड़ लेता है। अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं कि ये एनकाउंटर नहीं है, ये मंगेश यादव की हत्या की गई है। ऐसे में इस मामले में तो कई लोगों की गिरफ्तारी होती है और ऐसे में ही आजमगढ़ के भी रहने वाले एक शख्स हैं अरविंद यादव, उनके घर पर हम हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनकी पत्नी है, उनके लड़के हैं। हम इन लोगों से बातचीत करते हैं कि उनकी गिरफ्तारी कब होती है, कैसे इस मामले में वो शामिल होते हैं, क्या जिस दिन वो लूटकांड होता है वो कहाँ पर थे, घर पर थे या घर से बाहर थे, वो तमाम सवाल हम इनसे करेंगे। आपके पिताजी हैं अरविंद यादव? जी, हमारे पापा हैं। जिस दिन सुल्तानपुर में घटना होती है, लूटकांड होता है ज्वेलरी शॉप में, उस दिन आपके पिताजी कहाँ थे? उस दिन हमारे पापा घर पे थे। जी, घर पर थे आप? जी। अच्छा, क्या कर रहे थे उस दिन? घर पर थे? सुबह से घर पर थे? कब से घर पर थे? नहीं, सुबह से ही पापा घर पे थे। जानवर इतने अधिक है, चारा वारा लाए उन लोगों के लिए और वही सब करने के बाद फिर घर पे सोए थे। और हम लोगों की उस घटना से कोई मतलब जानकारी ही नहीं थी वो सब की। और 1 तारीख को एसटीएफ वाले आए घर पे, 10-12 लोग दबिश दिए और पापा को जबरन लिवा के गए और बोले 2 घंटे में पूछताछ करके छोड़ देंगे। तो हम लोग वेट किए तो जब समय देखे ज़्यादा हो रही है तो आजमगढ़ से 2 तारीख को फैक्स किया गया और फिर उसके बाद 3 तारीख को सुल्तानपुर जयसिंहपुर कोतवाली में जाके मुलाकात हुई। पापा वहाँ पे थे पर बात नहीं करने। ये जानकारी आपको कैसे मिली कि आपके पिताजी वहाँ है? 1 तारीख को गिरफ्तारी या जो भी हो पुलिस ये पूछताछ कहकर एसटीएफ यहाँ से लेकर जाती है तो आप लोगों को ये पता कैसे चलता है कि जयसिंहपुर थाने में या जयसिंहपुर कोतवाली में आपके पिताजी? जी, कहीं से लोकेशन मिल गया हमको तो हम लोग वहाँ पे गए तो बात सत्य हुई कि वहाँ पे पापा थे। हम लोग पापा से मुलाकात किए पर बात नहीं करने दे रहे थे। फिर उसके बाद 5 तारीख को हम लोग वहाँ पे गए तो पापा को वहाँ से हटा दिए तो बताए कि इनको सदर में भेज दिया गया है और सही लोकेशन नहीं दिए थे। और उसके बाद से फिर कल 11 तारीख को पापा को दिखा रहे हैं, अयोध्या से गिरफ्तार किए हैं। अयोध्या से गिरफ्तारी हुई है? जी। 1 तारीख को पुलिस एसटीएफ यहाँ से ले जाती है और दिखाती है 11 तारीख को गिरफ्तारी हुई है। जी, और वो भी अयोध्या में? वो भी अयोध्या में दिखा रहे हैं। चलिए साहब, एक बार हम मानते हैं कि एसटीएफ यहाँ नहीं आई थी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अगर लूटकांड में शामिल अरविंद यादव अगर इतने बड़े डकैती में शामिल है तो क्या वो लूट के बाद सुल्तानपुर से सटे जनपद अयोध्या में ही मिलेगा? अगर वो लूट में शामिल है, कोई भी इतने बड़े घटना को अंजाम देगा और उसको ये पता है कि इस मामले में एनकाउंटर हो रही है, पुलिस बड़ी सख्ती से कार्रवाई कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि वो लूट करने वाला आरोपी आपको बगल के जनपद अयोध्या में ही मिलेगा? ऐसी चीज़ें अगर आपको लगती है तो आप भी इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि ऐसी चीज़ें क्या हो सकती हैं। आप लोगों को कब जानकारी मिली कि आपके पिताजी को गिरफ्तार किया गया और वहाँ पर अब रखे हैं सुल्तानपुर में? जी, कल शाम को 8-8 बजे के लगभग वहाँ से सुल्तानपुर से कोई दरोगा थे, फ़ोन किए तो मम्मी से बोले कि मम्मी का नाम लीलावती यादव, तो बोले आप लीलावती बोल रही हैं? मम्मी बोली जी, कहे आपके पति को अयोध्या से गिरफ्तार किया गया है, सुल्तानपुर में एसपी कार्यालय में पेश किया गया है, इनको कल आके छुड़वा लीजिए। बस इतनी बात हुई, उसके बाद फ़ोन काट दिए, फ़ोन लगाने लगे तो फ़ोन उठ ही नहीं रहा था। यानी आपको लग रहा है कि आपके पिताजी को ऐसे ही फंसाया जा रहा है? जी, हमारे पापा को फर्जी फंसाया जा रहा है। जेवरात भी तो पुलिस तो कह रही है कि जेवरात भी मिले हैं लोगों को जिनकी गिरफ्तारी उनके पास। जी, जिस दिन पापा घर पे दबिश दिए 1 तारीख को तो उस दिन पापा को लिवा के गए और बोले 2 घंटे बाद पूछताछ करके छोड़ देंगे, घर की तलाशी भी नहीं लिए, तो इतने जेवरात पापा के पास से आए कहाँ से? यानी उस दिन घर की तलाशी नहीं लिए थे, उस दिन आते हैं आप, बातचीत करते हैं और बाहर से लेकर चले जाते हैं? बातचीत करते बाहर से लेकर चले जाते हैं झूठ बोल के, और फिर उसके बाद 11 तारीख को दिखाते हैं कि इनको अयोध्या से गिरफ्तार किया, इतने जेवरात हमने इनके पास से बरामद किया है, और घर की तलाशी नहीं लेते हैं। और जिस शोरूम पे इस घटना का मतलब घटना हुई थी वो शोरूम का मालिक बता रहा है कि हमारे यहाँ से सिर्फ 1,35,00,000 की लूट हुई थी और पुलिस वाले बता रहे हैं कि 2 करोड़ के लगभग का सोना इनके पास से बरामद हुआ है और 3 करोड़ की लूट बता रहे हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है इसको प्रशासन जाने। अच्छा, एक मामला इसमें ये भी सामने आ रहा है, अखिलेश यादव भी तुरंत ट्वीट करते हैं कि यादव समझ के मंगेश यादव को मारा गया, तो आपको लगता है क्या यादव समझ कर भी अरविंद यादव को भी फंसाया गया? क्योंकि उसमें जो मुख्य सरगना है विपिन सिंह है, जिसको उस पूरे घटना को अंजाम देने का मुख्य आरोपी माना जा रहा है वो विपिन सिंह है, तो ऐसे में आप भी मानते हैं यादव होने के नाते भी क्या फंसाया जा सकता है? जी, अभी तो योगी बाबा जाने हमें क्या पता। अखिलेश जिस तरीके से कह रहे हैं कि यादव होने के नाते मंगेश को मार दिया गया, हत्या कर दी गई, तो आपको लगता है अखिलेश के कहने के मुताबिक कि यादव को फंसाया जा रहा है?
जी कहीं ना कहीं यादव लोग को टारगेट किया जा रहा है इस सरकार में, कहीं ना कहीं यादव को टारगेट किया जा रहा है, ये बात सत्य है। पिताजी आपके करते क्या थे वो? हमारे पापा खेती करते हैं जी। इसके पहले कभी इस तरीके के आपराधिक मामले में शायद वो जेल वगैरह भी गए थे जी? इसके पहले पापा के ऊपर बहुत पहले मुकदमा लगा हुआ था, तो हम बहुत छोटे थे, और एक बार पापा आजमगढ़ जेल में बंद थे, तो जेल में रहने के बावजूद भी पुलिस उनके ऊपर मुकदमा लगा दी थी। अच्छा, कई घटना हुआ, उस घटना को लेकर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, वो जेल में है जी। पापा जेल में थे, कहीं घटना हुई पापा के ऊपर मुकदमा लगा दी। यानी ये पहले से चीज़ें होती आई हैं कि आपके पिताजी को फंसाया जा रहा है, आपके मुताबिक कि अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो? जी, कई दो से तीन बार पापा को फर्जी फंसा दी है पुलिस जी। चलिए, उनकी पत्नी, हम उनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं, क्योंकि जब फ़ोन इन्हें कल रात में फ़ोन आता है कि आपके पति सुल्तानपुर में हैं, आप लोग आइए उनसे मिलिए और उनको यहाँ से छुड़वा कर लेकर जाइए, इस तरीके की शायद बातचीत होती है, हम इनसे बातचीत करते हैं, थोड़ा सा आप यहाँ आ जाएँ। फ़ोन आपसे, जब वहाँ से फ़ोन आता है, कोई फ़ोन करता है आपको, क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि जौन है तुम्हारा आदमी जौन है वहाँ से अयोध्या से पकड़ा गया, गिरफ्तारी भाई, और आके छोड़ा ले जा। इधर थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए थोड़ा सा। तो हमें शंका है कि जौन इनामी कह दे हैं, उन पर इनाम रख दे हैं दूसरे, और वो हमें शामिल कह दे हैं, तो कैसे छोड़ दे जाइए, हमें ऐसे डर है। हाँ, अच्छा, इनाम की बातें आपको कब पता चलती है? एक तारीख को तो यहाँ से उठा ले जाते हैं एसटीएफ वाले, इनाम की बातें कब आती है? जी, एक तारीख को पापा को घर से लेके जाते हैं, और लगभग चार दिन के बाद पापा के ऊपर 1,00,000 रुपये का इनाम रख देते हैं, अपने कस्टडी में चार दिन रखने के बाद पापा के ऊपर 1,00,000 का इनाम रख देते हैं कि ये इसके ऊपर 1,00,000 का इनाम है, फरार चल रहा है। तो आप लोगों ने कुछ नहीं प्रयास किया जब घटना इस चीज़ के बारे में सुना कि पापा को तो घर से ले गए, फिर उसके बाद इनाम रखना, ये कहाँ से चीज़ें हो गई? तो आपके मन में भी शायद सवाल आया होगा कि हो सकता है पापा पुलिस की गिरफ्त से भाग गए हों, ये चीज़ें मन में आई थी उस समय? जी नहीं, पापा हमारे ये सब नहीं करते। मतलब ये चीज़ें मन में नहीं आई कि भाग गए होंगे? नहीं, यानी लग रहा था कि ये फंसाया ही जा रहा है, धीरे धीरे प्रक्रिया करते जा रहे हैं जी। ऐसी 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 घटना पुलिस हमारे साथ दो बार और कर चुकी है जी। मतलब आपके मुताबिक फर्जी फंसा चुकी है पुलिस आपके पिताजी को? जी, दो बार फंसा चुकी है, और अगर इसी तरह अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो यूपी को कभी अपराध मुक्त कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो दोषी है उसको सज़ा मिलती नहीं, जो निर्दोषी है उसको पुलिस प्रशासन परेशान करती है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, आप ही बताइए। अगर दोषियों को सज़ा नहीं मिल रही है और निर्दोषियों की सज़ा दे रही है प्रशासन, तो उसमें जो है निर्दोषी जो है वो क्या करेगा, कौन सा कदम उठाएगा? मंगेश यादव की बहन और उनके माँ के द्वारा जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि एसटीएफ की टीम आती है और रात में मंगेश यादव को लेकर चली जाती है, उसके बाद दो दिन के बाद एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाता है, वहाँ भी इसी तरीके का दावा था मंगेश यादव के परिवार का, और ठीक वैसा ही दावा अरविंद यादव के परिवार के लोग भी कर रहे हैं, उनकी बेटियाँ, उनके बेटे, उनकी पत्नी भी ऐसा ही कह रहे हैं कि एसटीएफ और पुलिस आती है 1 तारीख को यहाँ से लेकर उन्हें चली जाती है, फिर उनके ऊपर इनाम भी लगता है 1,00,000 का, और उसके बाद कल के दिन यानी 11 तारीख को इनको सूचना मिलती है कि आपके पिताजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप साहब समझिए इस पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से कि किस तरीके से क्या चीज़ें हुई है। 1 तारीख से शुरुआत होती है और 11 तारीख को उनकी गिरफ्तारी दिखाई जाती है, और ये मामला एसटीएफ पूरे सवाल के घेरे में आ रही है। जिस तरीके से इस मामले में मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया, वहाँ भी तमाम सवाल खड़े हुए, और यहाँ भी अब इस परिवार का भी तमाम सवाल है कि आखिर जब 1 तारीख को पुलिस ले जाती है तो गिरफ्तारी को क्यों 11 तारीख को दिखाया जाता है, वो भी सुल्तानपुर से सटे जनपद अयोध्या में, जहाँ पर कांड हुआ, उतना बड़ा कांड हुआ, और वहीं बगल में कोई आरोपी क्या वहीं बगल में रह सकता है इतने बड़े कांड को अंजाम देने के बाद? ये भी तमाम सवाल हैं। चलिए, इन सवालों का जवाब कब मिलेगा और कैसे मिलेगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इस परिवार को इंतज़ार है कि क्योंकि इनका कहना है कि इनके पिताजी निर्दोष हैं और इनके पिताजी को छोड़ दिया जाए। क्या गुजारिश है आपकी सरकार से? हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि हमारे पापा इसमें निर्दोष हैं, उनको छोड़ दिया जाए, और जो इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, पहले इस मामले की जाँच की जाए जी। अगर पापा इतने बड़ी लूट किए थे तो घर की तलाशी क्यों नहीं ली गई, और 1 तारीख को जब पापा को घर से लेके गए तो 11 दिन बाद पापा फिर अयोध्या कैसे चले गए, वहाँ से कैसे पापा की फिर गिरफ्तारी हो गई, और इतना 2 करोड़ के लगभग का सोना कहाँ से बरामद हो गया,
घर की तलाशी भी नहीं लिए, तो पापा के पास 10 दिन अपने कस्टडी में रखने के बाद 2 करोड़ का सोना पापा के पास कहाँ से आया? चल के आ गया या फिर प्रशासन भेज दी कि जाइए लूट करके लाइए? चलिए, इस मामले में जो भी हर दिन जो चीज़ें होती जा रही हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करते जा रहा है ये पूरा मामला। चलिए, देखना होगा कि क्या इन सवालों का जवाब मिल पाएगा या नहीं, आने वाला वक्त ही तय करेगा। वैसे इस पूरी बातचीत को लेकर, इस दावे को लेकर, इस अरविंद यादव के परिवार के दावे के लेकर आपको क्या लग रहा है? क्योंकि यही दावा मंगेश यादव के परिवार का भी था और अभी भी यही दावा है और वही सवाल भी है।